नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे। No.
हैं बाबा पहुंचे। ये प्रमोद साथ जोर शोर से मनाया जाएगा। मुंबई में भी समस्त मुंबईकर इस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी नगर सेविका सुनीता जी, हमारे दोनों विधायक परागढ़वनी जी और अमित साटम जी, इन्होंने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है और बड़ी संख्या में यहाँ के रहवासी भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। घर घर तिरंगा के उपलक्ष में हमारा जो 75 ईयर्स है अमृत महोत्सव, उसी के संदर्भ में हम लोग ने ये रैली निकाली है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे वार्ड के सारे सिटीजन्स बहुत ही खुश है और बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, तो ये हमको जो आज़ादी मिली है उसी का जश्न हम लोग आज मना रहे हैं। ये हम लोग पूरा अंधेरी और पार्लापुरा कवर करेंगे, दो विधानसभा हम लोग कर रहे हैं। देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाते समय हर घर तिरंगा, ये माननीय मोदी जी ने आह्वान किया और हम देखते हैं कि बड़े उत्साह के साथ हर घर में तिरंगा तो लगा ही है, लेकिन हर गली में कुछ ना कुछ कार्यक्रम अमृत महोत्सव के निमित्त अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक देशभक्ति की एक जबरदस्त लहर पूरे देश के कोने कोने में चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और उसके उपलक्ष्य में आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देख रहे हैं इतनी बरसात में भी लोगों का उत्साह देखिए, हजारों की संख्या में आज इस भारत का जो तिरंगा शान से फहराने के लिए आज लोग यहाँ पर उपलब्ध